हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। जिन विद्यार्थी नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो चैनल पे पहले से आ रहे हैं वो भी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई से नई जो NIS एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या NIS के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आती है तो आप तक आसानी से पहुँचाए और आप इसे देख के इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास होने का आसान तरीका कौन सा है। जैसे आपको पता ही है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं और सभी विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो सोच रहे हैं कि तैयारी कब और कैसे शुरू करें। उन्हें ये पता नहीं चल रहा कि हम तैयारी कब करें और कैसे करें। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है या तैयारी कर रहे हैं तो उसे कैसे करें ताकि आपके पास या पास से भी अधिक या फुल मार्क्स आ सके। आओ चलते हैं और जानते हैं कि पास फार्मूला क्या है और कैसे इस फार्मूले को आप जान के इसके द्वारा तैयारी कर सकें। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस फार्मूले को जान सकें और जो आपको फार्मूला देने जा रहे हैं वो देख के शायद वही एग्ज़ाम में आपका फार्मूला चल जाए। आओ देखते हैं, क्या आपके एग्ज़ाम का यही पेपर तो नहीं आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा? अरे भाई, आ भी सकता है, क्यों, ऐसा ही पेपर तो आना है। हाँ, सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो सबसे टफ लगता है सभी को, तो हमने इस वीडियो में इंग्लिश के पेपर की जो पास फार्मूला है वो तैयार किया है। आपके सामने स्क्रीन पर एक पेपर का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है, जो आपका ही पेपर है। आप ये जान के हैरान होंगे कि कैसे, ये भाई आपका ही पेपर है, यही आपको एग्ज़ाम में आना है, ये नहीं आएगा तो ऐसा ही आएगा, सेम ऐसा ही आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर आना है। हम अगले पेज पे चलते हैं, आप देख रहे हो ये आपका इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन इस पर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हो सेक्शन ए और जिसमें एक पैरा दिया हुआ है, इसमें आपने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है और इनके आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही होगा, उसके बाद सेकंड, उसमें भी पैरा दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, आपने क्वेश्चन के आंसर जो है फाइंड आउट करके वो राइट ऑन करने हैं। उसके बाद सेक्शन बी में ऐसा ही क्वेश्चन होगा, थर्ड, इनमें से आपने लिखा है चूज एनी वन ऑफ देम एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपने ए बी सी में से कोई एक पैराग्राफ चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें 100 शब्द में एक पैराग्राफ लिखना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ऐसे आपको 20 तक क्वेश्चन आएंगे अलग अलग, जिसमें ग्रामर भी होगी, क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। जैसे ही आपने देखा, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है, ये जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था वो था। तो पास फार्मूला क्या है कि जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाया, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। आपने अपने पेपर की तैयारी शुरू करनी है तो कैसे शुरू करनी है, जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए थे उनको आपने कलेक्ट करना है और उसमें जैसा पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से आपने तैयारी शुरू करनी है और उसमें जो पैरा दिया हुआ है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सेम ऐसा ही पैरा आपको आएगा जिसमें आपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करके लिखना है और उसमें जो जो क्वेश्चन के आंसर भी पूछे गए हैं वो क्वेश्चन के आंसर आपने याद कर लेने हैं। अरे भाई, ऐसे मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछले क्वेश्चन पेपर आए हैं इंग्लिश के, उन क्वेश्चन पेपर का लिंक दे रखा है, आप वहां से पिछले क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हो। आप इंग्लिश के नहीं, सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, कैसे, जैसे आपने 6 सब्जेक्ट रखे होंगे, 5 कंपल्सरी हैं, एक जो वोकेशन वाला सब्जेक्ट रखा है, सभी के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके लिंक मैंने दे रखे हैं, कैसे, अक्टूबर 2022 का और अप्रैल 2022 का, ऐसे पिछले 21 के भी दे रखे हैं, तो आप वहां भी जाके वो सभी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसमें जो इंग्लिश का पेपर है आपको 3 सेट में आएगा, ए, बी और सी। आप जो क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे देख रहे हैं वो अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो रिसेंटली आया था। सेट बी में भी आपको सेम ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही सेट सी है, सेट सी में भी सेम ही पैटर्न के 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 8 पेज का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। आप ऐसे ही सभी क्वेश्चन पेपर जो है कलेक्ट करके हमारी इस वीडियो के लिंक में, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं अलग अलग के, तो आप वहां से डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, उसको देख के उसकी तैयारी कर सकते हो और अपने एग्जाम में पास या पास से भी अधिक नंबर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पिछले ही क्वेश्चन पेपर है आपको वैसा ही पेपर आना है और उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने फुल मार्क्स गेन करने हैं तो आप अपनी तैयारी जो है अपने हिसाब से भी कर सकते हो और करनी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उसमें आप क्या करोगे कि आप थोड़े क्वेश्चन के आंसर ज्यादा याद करोगे बस, और टाइप सेम ही है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर लिखें और अपना आंसर जो है वो रिसीव करें।